इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के केस नंबर सेकंड की। केस नंबर सेकंड को हम आइडेंटिफाई किस तरीके से कर सकते हैं। केस नंबर सेकंड में हमें ओल्ड पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगी और न्यू पार्टनर का शेयर भी गिवन होगा, बट एक कंडीशन क्वेश्चन में उसके साथ लगी होगी कि जो नया पार्टनर है यानी कि न्यू पार्टनर है वो अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से इक्वल प्रपोर्शन में लेगा। ये जो इक्वल प्रपोर्शन वाली बात है ये यूनिक चीज़ है जो सेकंड केस की आइडेंटिफिकेशन का काम करेगी। केस फर्स्ट में हमें सिर्फ ओल्ड पार्टनर की रेशियो गिवन होती थी और न्यू पार्टनर का शेयर, लेकिन सेकंड केस में ये दोनों चीज़ें तो होंगी ही होंगी, इसके साथ साथ ये बोल दिया जाएगा कि न्यू पार्टनर अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से इक्वल प्रपोर्शन में लेगा। तो ये केस नंबर सेकंड होगा। जैसे कि इस एग्जांपल की हम बात करें, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स और लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3। एक्स वाई पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट को 4:3 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दे एडमिट जेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। वो जेड को पार्टनर बनाते हैं 1/4 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, जो कि वो एक्स और वाई से इक्वली लेगा यानी कि इक्वल प्रपोर्शन में लेगा। इक्वल प्रपोर्शन का मतलब है 1:1 के प्रपोर्शन में, यानी कि एक्स और वाई से वो किस प्रपोर्शन में लेगा, 1:1 के प्रपोर्शन में। तो जैसे कि ये कंडीशन है, ये मैंने हाईलाइट इसीलिए की है क्योंकि यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन अगर है तो वो फर्स्ट केस होता था। सेकेंड केस में हमने सिर्फ ये चीज़ ऐड की कि जो न्यू पार्टनर है वो अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से इक्वली ले रहे हैं, तो ये सेकेंड केस बन जाएगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने सेम रखी है केस फर्स्ट वाली ही, ताकि आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओ कि केस फर्स्ट और केस सेकेंड में डिफरेंस क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे वो सीखने से पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन पे एक बार नज़र फिर घुमा लेते हैं, जो केस सेकंड में हमने लिखी है मैंने टॉप पर। इस बात का ध्यान रखना है व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर आर गिवन एंड शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम एग्जिस्टिंग एंड ओल्ड पार्टनर्स। जब ओल्ड पार्टनर की रेशियो गिवन हो, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन हो जो कि वो ओल्ड पार्टनर से इक्वल प्रपोर्शन में ले, तो वो केस नंबर सेकंड है। उसका सॉल्यूशन किस तरीके से करना है वो सीखते हैं। एक्स वाई की रेशियो है 4:3। जेड का शेयर है 1/4। अब हमें करना क्या है, फर्स्ट केस में हम लेट टोटल शेयर 1 इक्वल करके जो है क्वेश्चन सोल्व करते थे, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं करना है। सेकेंड केस में आप किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करोगे, जैसा कि उसने क्वेश्चन में बताया कि जेड अपना शेयर एक्स और वाई से इक्वली ले रहे हैं, मीन्स 1:1 के प्रपोर्शन में ले रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि जेड कितना एक्स से ले रहा है और कितना वाई से। इसमें हम सिंपली करेंगे क्या कि जेड ने एक्वायर किया हिज शेयर फ्रॉम एक्स, एक्स से कितना एक्वायर कर रहा है वो 1/4 का 1/2। ये 1/2 कैसे आया, जैसे कि उसने क्वेश्चन में बोला कि जेड जो है अपना शेयर एक्स और वाई से 1:1 के प्रपोर्शन यानी कि इक्वल प्रपोर्शन में लेगा। तो आपको सिंपली करना क्या है, जेड का जो शेयर है यानी कि 1/4 उसको मल्टीप्लाई कर देना है जितना वो एक्स से ले रहा है। वो इक्वल प्रपोर्शन में ले रहा था तो एक्स से वो ले रहा है 1/2 टोटल। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर 3 है, मान लो एक्स वाई जेड 3 पार्टनर होते और एक न्यू पार्टनर ए आ जाता, तो ए जो है मान लीजिए कि अपना शेयर जो है रिमेनिंग ओल्ड पार्टनर से इक्वल ले रहा है, तो इट मीन्स वो 1:1 के प्रपोर्शन में लेगा। तब उस सिचुएशन में हम न्यू पार्टनर के शेयर को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वल का मतलब 1/2 नहीं है, या 1/2 ये ऐसे आया है क्योंकि ओल्ड पार्टनर 2 थे और 1:1 के प्रपोर्शन में लिया तो एक्स से लिया उसने 1/2, तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 1/8 आ जाएगा। सेम जेड ने अपना शेयर वाई से कितना ले रहा है वो 1/4 का 1/2, सेम वही चीज 1/8 और इक्वली ले रहा था। आप देख भी सकते हैं इक्वली 1/8 वन से एक्स से ले रहा है, वो 1/8 ही वाई से ले रहा है, इक्वली है दोनों टर्म। अगर हम इनको सिंपली ऐड करके भी देखें तो भी प्रूव कर सकते हैं, इन दोनों का समीशन 1/4 आना चाहिए। तो जेड ने कितना शेयर एक्स से लिया 1/8, जेड ने कितना वाई से लिया 1/8। अब सिंपली करना क्या है, एक्स का न्यू शेयर कैसे निकलेगा,
फोर बाय सेवन मीन्स उसका ओल्ड शेयर माइनस में जितना उसने जेड को दे दिया, वन बाय एट। जैसे कि मान लो मैं ये कहूँ कि एक्स के पास 100 रुपीज़ थे और उस 100 में से 20 रुपीज़ जो है उसने जेड को दे दिया, तो इट मीन्स एक्स के पास बचेंगे कितने 80। मीन्स कैसे, 100 माइनस 20 80। तो सेम टास्क मैंने वही की कि एक्स के पास ओल्ड शेयर 4/7 था जिसमें से उसने जेड को दे दिया 1/8, तो एक्स के पास बचेगा कितना, उसका ओल्ड शेयर माइनस जितना उसने जेड को दिया। तो अगर मैं माइनस कर दूं, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, माइनस करने के बाद जो टर्म आई 25/56। ऐसे ही वाई के केस में करना है, वाई का जो ओल्ड शेयर है 3/7 माइनस वाई ने कितना शेयर जेड को दिया 1/8, एलसीएम लेके माइनस करेंगे 17/56। जेड क्योंकि न्यू पार्टनर था उसका शेयर 1/4 ही है, तीनों के न्यू शेयर को हम प्रपोर्शन में रख देते हैं, एक्स का जो न्यू शेयर निकल के आया वो 25/56, वाई का 17/56 एंड जेड का 1/4। तीनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने के बाद जो रेशियो निकल के आएगी 25/17/14, और फिर वही बात जो मैंने लास्ट केस में बताई थी, जब आप न्यू रेशियो का समीशन करेंगे टोटल करके देखेंगे तो फर्म का शेयर हमेशा 1 ही होता है। आप इन तीनों टर्म का टोटल करके देख लीजिए, 56 है न्यूमिनेटर 56 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर 56 डिवाइड करेंगे तो फर्म का शेयर 1 निकल के आ जाएगा। अब बात करें सेक्रीफाइजिंग रेशियो की। सेक्रीफाइजिंग रेशियो जैसा कि आप जानते हैं सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो एक्स की 4/7 थी, न्यू रेशियो 25/56 थी, फिर एलसीएम लेके माइनस करेंगे 7/56। वाई की ओल्ड रेशियो 3/7 थी, न्यू रेशियो 17/56, एलसीएम लेके माइनस करेंगे 17/56। दोनों को इक्वल रखेंगे, यहीं से हमें दिखाई दे रहा है कि इसका भी 7/56 है, वाई का भी 7/56 है, मींस दोनों का सिमिलर है, मींस इक्वल है। एलसीएम लेंगे 56/7/7 को अगर कॉमन टेबल से दोनों ही टर्म डिवाइड हो रही हैं तो उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। जब इसको हम सिंप्लीफाई करते रहेंगे जब तक वो डिवाइड होता रहेगा, मान लो कोई बड़ी टर्म किसी क्वेश्चन में आ जाती है तो सेम टेबल से अगर दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही हैं हम उसको डिवाइड करेंगे, रेशियो आ जाएगी 1:1। तो सेकेंड केस में यूनिक चीज़ क्या है कि सेकेंड केस में जो सेक्रीफाइजिंग रेशियो आती है वो हम